अरे अरे अम्मा एक सेकंड, कोई आया, कुछ हुआ, क्या हुआ? काला कबूतर, काला कबूतर, काला कबूतर। एक मिनट, कितनी बार कहा है आपको बरकत के पेड़ पे चढ़ के ये सब काम करना बंद कर दीजिए, अभी कबूतर आ रहे हैं आपके सपनों में, देखिए। वो पंछी वाला काला कबूतर नहीं, मिशन काला कबूतर। मिशन काला कबूतर? ये क्या काला कबूतर है, मिशन काला कबूतर? बताते हैं। बताइए। बता तो रहे ना। बताइए, जल्दी बताइए, क्या है? 2002 में 25 थानों के पुलिस कर्मी को भेजा गया था एक बहुत बड़े अभियान पर, एक बहुत बड़े गिरोह को पकड़ना था, और ऐसा हुआ तब ना बहुत ठंड का मौसम था, धुंध भी बहुत थी, बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? हमारी गोली अपने ही पुलिसकर्मी को लग गई। का? मगर इससे पहले कि हम उससे मिलते, उसे माफी मांगते, उससे उसका हालचाल पूछते, पुलिस फोर्स के बाकी के लोग जो थे ना, उसे अस्पताल लेके गए थे, और इतने सालों बाद आज हमें पता चला कि वो आदमी कौन था। कौन था? श्रीमान दीवान। जो हमारे थाने में जो दीवान जी आए हैं वो? हाँ। वाओ। मगर एक बात बताएं आपको, हमने खुद को बचाने के लिए ना सारी राइफलें जो थी ना एक साथ ऐसे मिक्स करके रख दी, किसी को पता भी नहीं चला कि उस वक्त क्या हुआ था। हम तो बच गए, मगर हमें पता चला कि वो इंसान भी बच गया। मगर ऐसा हुआ ना, गोली उसके कंधे पे लगी थी, तो उसका कंधा आज तक चोटीला रह गया, और आज भी उनको बहुत तकलीफ होती है कंधे में। अब सोचिए अगर उन्हें पता चला कि वो गोली हमने चलाई थी, तो पता नहीं क्या होगा, क्या बवंडर बन जाएगा, क्या करेगा वो। कौन सा राशि लेके पैदा हुई हैं आप? जहाँ कदम रखती वहाँ बवंडर मचा देती है, उसका कंधा उखाड़ दिया आपने, हाँ? कैसे कर लेती हैं आपके? अच्छा ठीक है, अभी रुकिए रुकिए रुकिए, शांत, सबसे पहले तो ये शांत कीजिए, आपने जानबूझ के तो नहीं किया? नहीं। हादसा था? हाँ। है ना, गलती से हो गया। हाँ। है ना, तो इसमें आप इतना काहे घबरा रही हैं? ठीक है ना, आप एकदम सामान्य रहिए ना उनके सामने, आप उनको भनक मत लगने दीजिए कि वो गोली मारने वाली यहाँ पे या कंधा उखाड़ने वाली यहाँ पे, ये बता रहे हैं, नहीं उनको नहीं पता चलेगा, आप भी भूल जाएंगी कुछ दिन में, वो भी भूल जाएंगे, सब भूल जाते हैं, कोई किसी को याद नहीं रहता है। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, सो जाइए, इतना उनको लगा पता नहीं क्या। अच्छा चलिए, अभी सो जाइए, चलिए 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 चलिए, हाँ हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, सो जाइए, क्या इतना टेंशन लेती है आप, चलिए। सुनिए ना, हाँ यहाँ हमारे साथ सो जाओ। आ रहे हो ना? हाँ हाँ आ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? चलिए चलिए सो जाइए चलिए। है? सर रूटीन चेकिंग चल रहा है, लेकिन आप एक बार गाड़ी साइड पर हटाएंगे? पता है किसकी गाड़ी है? रूलिंग पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रभान मोरया जी की गाड़ी है, अभी भी लगवाओगी साइड पे? सर आप जो भी है, ऐसे गाड़ी पे लाल बत्ती लगा के घुमाना अलाउड नहीं है, तो आप ये हटा दीजिए, उसके बाद आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं। का? बत्ती उतारे हैं। कौन हो? हमें ऑर्डर देने वाली? जाओ, नहीं उतारते, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। सर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज बत्ती उतार दीजिए, ऐसे अलाउड नहीं है। वर्दी उतरवा देंगे तुम्हारी, यहीं खड़े खड़े बता रहे हैं, एक फोन घुमाएंगे तो तुम्हारी कुंडली पलट के रख देंगे, ऐसी जगह ट्रांसफर करवा देंगे जहां तुम्हें दिया बाती के लिए लालटेन भी नसीब नहीं होगी। सर आपसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे खुद ही करना चाहिए। अरे संभालो तो जरा, हमारे प्राण चले जाए, लेकिन ये बत्ती नहीं उतरने देंगे। अरे पुलिस को अपना काम करने दीजिए, गजब करते हैं। छोड़िए मैडम, गजब कर रहे। संतू जी ठीक है? संतू जी जब तक ये बत्ती नहीं हटेगी तब तक गाड़ी भी आगे नहीं जाएगी। अरे खड़े खड़े हमारा मुंह का देख रहे हो? लो पार्टी के कार्यकर्ताओं को, लो हमारे समर्थकों को, पूरा शहर जाम कर दो। अब यहाँ से हमारी गाड़ी जब तक नहीं लेगी तब तक हम यहाँ से कोई गाड़ी लेने नहीं देंगे।
जय हिंद मैडम सर। आई आई हसीना मलिक, जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। देखिए समझाइए जरा इन्हें, हमारी गाड़ी की बत्ती उतार रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष चंद्रभान मौर्य की। समझाते संतोष शर्मा, बत्ती निकालिए। जी मैडम सर। हटाना पड़ेगा पुलिस को, काम करने दो। चलो चलो चलो, जबरदस्ती कर रहे हैं यार आप लोग। सोच लीजिए SHO हसीना मलिक, अगर हमारी गाड़ी की बत्ती उतरी तो तुम्हारे पूरे थाने को इसका हिसाब देना होगा, सबकी नौकरी जाएगी और फिर हम अपने हाथों से तुम्हारे थाने को ताला लगाएंगे। समझदार मालूम होती हो, बुद्धि से काम लो, बंद करो ये बेवकूफी और शराफत से हमें यहाँ से जाने दो, वरना कुछ ही देर में हमारे लाखों समर्थक यहाँ जमा हो जाएंगे, तुम्हारे शहर की पूरी कानून व्यवस्था हिल जाएगी, फिर मत कहना कि चेताया नहीं। चलिए देख लेते। चीता संतोष वहां जाकर खड़े हो जाइए, आप कुर्सी लाइए। जी मंत्री जी, लीजिए बात कीजिए मंत्री जी से, अब आपको पता चलेगा किससे उलझ रही थी आप। वैसे आपकी सिस्टर बहुत स्वीट है। नहीं मतलब हमारा उतना मिलना जुलना नहीं हुआ, पर हसीना मैडम से वो बतिया रही थी तो हसीना मैडम ने हमको बताया। अच्छा क्या बात हुई उनकी? ही कैसे हमको पता होगा सर कि उनका क्या बात हुआ है। हाँ मतलब वो आपस में बात कर रही थी ना, हमको सुनाई नहीं दिया, पर आपकी प्रशंसा ही कर रही होंगी आपकी दीदी। हाँ वो तो है जी। कहाँ है, कहाँ चल? की मैया आई बड़ा भाई। महिला वृंदाना हाय हाय, महिला वृंदाना हाय हाय, महिला वृंदाना हाय हाय, महिला वृंदाना मैडम से महिला वृंदाना हाय हाय। जाहिन सर, एनी प्रॉब्लम? अरे नहीं सर, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे निकालो, हटाओ हटाओ हटाओ। अरे क्या हुआ सब? अरे लाइट हटाओ हटाओ, इसको रखो रखो सर। चलो 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 सब लोग, कुछ नहीं सब ठीक है। We'll be right back.
तू जवानी चढ़ा है, सब बार झड़ के बुढ़ौती में जवानी चढ़ा है तू। क्या हो कंप्लेंट लिखवानी है? आओ बैठो बैठो बैठो। अरे आप यहाँ पर आइए, मैं लिखता हूँ कंप्लेंट। अरे हम लिख रहे हैं ना कंप्लेंट, आओ बैठो बैठो। एक मिनट, कंप्लेंट हमको लिखाना, हम डिसाइड करेंगे। ये सही आदमी लगते हैं, हम यहाँ लिखाएंगे। माँ डिंपल भाभी बोलिए वहाँ तुम चल, तुम्हें सब गुड़का कुंडा आदमी तुम्हें है सब। क्या हुआ सर? एक अबला नारी का रिपोर्ट लिखी, हमारे साथ धक्का मुक्की का कोशिश किया, देखिए दीजिए। जय हिंद सर। सलाम सर। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या हुआ सर? इस जुद्धे ने इस लड़की को छेड़ दिया है। सर देखिए, इसने हमारे साथ धक्का मुक्की किया, फिर मुक्का धक्की, फिर धक्का मुक्की। ठीक है शांत हो जाइए आप। दीवान जी कंप्लेंट लिखी है इनकी। जी आप आइए। हाँ सर आइए। थाने में छेड़ रहा है सर हमको। नहीं नहीं सर। हाँ बोलिए, नाम क्या है आपका? जी डिंपल सर। ये जो बमबिलार जैसा आदमी ना, इससे हमको छेड़ा सर, इसने कबला की इज्जत का तबला बजा दिया। नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। जी सर मैंने सचमुच कुछ नहीं किया। इन्होंने आग मारी। ये देखो चोट आई है। बेवकूफ समझ के रखा है, आग मारने से चोट लगती है क्या? आग खोपड़ी में थी और खोपड़ी के साथ आग मारी है। ये देखो ये देखो। हाँ तो सर टक्कर नहीं मारेंगे, पता है इसने क्या किया, किससे लेने का कोशिश किया सर। सर 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 इसको खाते तेल में उबाल दीजिए सर, इसका तरह से खोपड़ी खोपड़ी छील दीजिए सर इसे। जलील आदमी, तुम जैसे लोग की वजह से इन औरतों को मौका मिल जाता है मर्द जात के इज्जत के बक्कल उखाड़ने का। कुलदीप बंद कर दो इसे अंदर। मां देखो मुझे लॉकर में डाल रहे हैं, लॉकर में मत डाल। दीवान जी ये डिंपल की डिटेल्स तेरा निकाल के दीजिए हमें। अभी निकालते हैं सर। पुष्पा जी रिमोट दीजिए। मगर एसी का आया? टीवी का। हाँ ला रहे जल्दी। हाँ ला रहे ला रहे ला रहे। मिल गया मिल गया मिल गया। क्या लखनऊ शहर को मिला है पुलिस अधिकारी के रूप में एक नया नायक, जिसके डर से सत्ता में बैठे बड़े बड़े रसूखदार और पावरफुल लोग भी सीधी चाल चलने लगे। गोपालगंज चौक में शहर की जनता को कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां एक कद्दावर नेता चंद्रभान मोरिया अपने कार्यकर्ताओं के साथ लाल बत्ती लगाकर जा रहे थे और उन्हें रोकने टोकने के बावजूद भी नेताजी लाल बत्ती उतारने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तब वहां पहुंचता है हमारा ये नया नायक SHO अमर विद्रोही, जिन्हें देखते ही नेताजी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और नेताजी खुद अपनी गाड़ी की लाल बत्ती उतार कर वहां से निकल जाते हैं। अरे तो निकलना ही था ना भाई, हम चाहे कोई भी हो पर कानून तो सबके लिए एक है ना। और ये बात सिखाई हमें SHO अमर विद्रोही ने बहुत साल पहले, जब हम केशव नगर के प्रधान हुआ करते थे। बहुत अच्छा समझाते हैं SHO अमर विद्रोही, है ना? बहुत सर, बहुत होनहार अफसर हैं। तो जैसा कि मैंने कहा है, क्या वाकई हमारे लखनऊ शहर को एक नया हीरो मिल गया है? क्या हसीना मलिक के जज्बातों के जादू के छड़ी की जगह अमर विद्रोही का डंडा ले लेगा? बंद कीजिए। जी वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं आप यही चाहते थे ना कि पूरा शहर जो है आपकी तारीफों के कसीदे बांधे, लोगों को लगे कि हमारे शहर में नया हीरो आ गया है, तो बस वही हो रहा है। नहीं आप ही का आदमी था ना ये चंद्रभान मौर्य, ये आप ही का प्लान था, आपने जानबूझकर उसे वहां प्लांट किया ताकि वो ये सारा तमाशा क्रिएट करे, आपको पूरे शहर के सामने हीरो बनने का मौका मिले, ये बात डिपार्टमेंट तक जाए और आप फाइनली हमारा पुलिस थाना हड़प ले। सीना मलिक जी दैट्स नॉट ट्रू, ऐसा कुछ नहीं है। कल मैंने आपसे क्या कहा था कि 12 से 3 के बीच में मुझे जीप चाहिए, राइट? तो मैं उसी की चाबियां लौटाने आ रहा था, मुझे तो पता भी नहीं था वहां चल क्या रहा है। क्या आप झूठ बोल रहे हैं? ये बात कब हुई थी? कल जिम में, जब मैं जिम में वर्कआउट के लिए चेंज कर रहा था और आप वहां छुपी हुई थी, आप मुझे देख रही थी और मैंने आपको पकड़ लिया था, शायद आप बौखला गई थी इसलिए आपको समझ नहीं आया। मैंने मेंशन किया था कि 12 से 3 के बीच में मुझे जीप की जरूरत है, उस हिसाब से आप अपना शेड्यूल देख लीजिएगा। पहली बात ये, आपने सिर्फ जीप के बारे में बात की थी, टाइमिंग का जिक्र नहीं हुआ था। और दूसरी बात ये कि हम कोई बौखलाए बौखलाए नहीं थे और हम छुप भी नहीं रहे थे, हम अपने ईयरफोन ढूंढ रहे थे, कोई पकड़े वकड़े नहीं गए थे हम। आप पकड़ी गई थी हसीना मलिक जी, इसलिए आपको शायद याद नहीं है, मैंने मेंशन किया था 12 से 3 के बीच में मुझे जीप की जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो आपने फोन पे मुझे अम्मी क्यों कहा? क्योंकि हमें लगा कि हमारी अम्मी का फोन आया है। ओह कम ऑन हसीना मलिक जी, इस बात पे तो संतोष शर्मा भी यकीन नहीं करेंगे। आपकी शक्ल बता रही है कि आप कवर अप करने की कोशिश कर रही हैं। कवर अप करने की कोशिश आप कर रहे हैं मिस्टर अमर विद्रोही, आप चाहते हैं कि हम ये फिजूल की बातें करते रहें ताकि मुद्दे पर किसी का ध्यान जाए ही ना।
लेकिन इस सब से ना एक बात हमें साफ साफ समझ में आ गई है कि आप हमारे इस थाने को हड़पने के लिए, जीतने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं। लेकिन एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए, महिला पुलिस थाना यहीं रहेगा, हम भी यहीं रहेंगे। जाएंगे तो आप, वो भी अपनी पूरी टीम के साथ, और हम खुद आपको बाहर तक छोड़ के आएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो आप भी सुन लीजिए हसीना मलिक जी, हमारा नाम अमर विद्रोही हमारे माँ बाप ने ऐसे नहीं रख दिया था। कुछ तो देखा ही होगा उन्होंने कि कितना विद्रोह भरा हुआ है हमारे अंदर, इसलिए रखा था। और बाहर जाएंगी तो आप अपनी टीम के साथ, और मैं आपको बाहर तक बकायदा खुद छोड़ कर आऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। देखते हैं। देख लीजिएगा। दीवान जी बाहर गए हैं और वो दोनों टोका लोग चाय पीने गए हैं, ठीक है। जंग जो है ना वो खुले मैदान में चढ़ चुका है, ठीक है। तो अब कोई घुमाओ छुपाओ या लाग लपेट नहीं, अब जो होगा एकदम सामने होगा। हमें किसी भी हाल में हमारा थाना वापस चाहिए। बोलो क्या करना। हमें बाहर हमारे महिला पुलिस थाने का बोर्ड चाहिए, और इसमें हमें चाहिए आप सबका साथ। तो बताओ सब हमारे साथ हैं? हाँ जी, हाँ साथ हैं। सुनिए जी, अभिजीत। ना चाचा, अभिजीत कोई नहीं है यहाँ पर। अरे मेरा नाम अभिजीत है। ऐसे बोलते ना, पूरा बोलते ना पूरा बात। रिपोर्ट लिखवानी है। रिपोर्ट है? रिपोर्ट रजिस्टर, एफआईआर रजिस्टर। यहाँ खड़ी हो जाओ। मैडम मैं तो अपने घर की हूँ, मेरे से क्या छुपाना। अमर विद्रोही सर देख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। एफआईआर लिख रहे हैं ना, हमें आगाह करना है। कैसे करोगी? मैं कर लूंगी। हम ये काहे कर रहे हैं मैडम? हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा केस हमारे पाले में आए, हम लोग ज्यादा से ज्यादा केस सॉल्व कर सके और हम अपने स्कोर बढ़ा सके। बहुत बढ़िया, आप सब लग जाओ काम पे। रिपोर्ट लिखेंगे आप? बस अभी तुरंत बैठिए। लिखिए लिखिए, आप लिखिए। आपकी क्या समस्या बताइए। ये मेरी बेटी है पूजा, पूजा नाम है इसका। बहुत ही होनहार और हुनरमंद लड़की है जी। तीरंदाजी में बहुत माहिर रही है, इसने राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी में बहुत से मेडल जीते हैं। नहीं नहीं, मुझे खांसी आ गई थी। बहुत अच्छा लगता है जब लड़कियां ऐसी उपलब्धियां हासिल करती हैं और इतनी तरक्की करती हैं, बहुत अच्छा लगा सुन के। हाँ फिर आगे। पूजा ओलंपिक में जाने के लिए सिलेक्शन राउंड तक पहुंच गई थी। अच्छा, फिर उसके बाद वहां वो हुआ जिसके बारे में ना पूजा ने कुछ सोचा था और ना मैंने। ऐसा क्या हुआ यार? दीवान जी कम से कम आप तो हमारा यकीन कीजिए यार, कुछ नहीं किया है हमने। हम तो वहाँ खड़े हुए थे यार, जाकर ये देखना चाहते थे कि चल क्या रहा है यहाँ पे। अब हमें क्या पता था वहाँ वो चंदू पुराना उठाई गिरा ब्लैक मार्केटिया वो वहाँ पे होगा, जिसे कभी हमने तबीयत से ठोका था। आज यहाँ वो इतना बड़ा नेता बन के घूम रहा है, अब हमें क्या पता उसे हमारी क्यूट चुकाई याद आ जाएगी और दुम दबा के वो भाग लेगा। यार मीडिया ने ना इसी बात का बतंगड़ बना दिया है, अब बताइए मेरी क्या गलती है इसमें। अरे सर आप समझ नहीं रहे हैं, बात यहाँ पर आप पर विश्वास करने या ना करने की हो ही नहीं रही है। बात हो रही है हमारे थाने वालों की, हमारे पड़ोसी दुश्मनों की, जो इस थाने को कब्जाने के लिए अपने दांत गड़ाए बैठे हैं। अब सर उनको तो यही लगेगा ना कि आप ये लड़ाई जीतने के लिए अब उनके मामलों में घुसने लगे हैं, अपने आप को उनसे बेहतर साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है सर। अरे पर दीवान जी यार, दुश्मन जब तक लापरवाह होता है तब तक ही उससे जीतने की संभावना होती है। दुश्मन अगर चौकस हो जाए तो जीतना आसान नहीं होता, और आपने उन्हें चौकस कर दिया है सर। अच्छा चाणक्य जी महाराज, अब चलिए गाड़ी घुमाइए, थाने वापस चलिए। अब वापस क्यों? अरे यार हम अपना वॉलेट भूल आए हैं वहां पे, चलिए। ठीक है। उसने तीर चलाया इसको घायल करने के लिए नहीं, इसको मारने के लिए। ये हत्या का प्रयास का मामला है मैडम।